हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग यहाँ पे सेट नंबर 5 करेंगे 2019 का, और 4 तक हो चुका है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उनसे बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपके। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इजी इजी से सेंटेंस है। पहला है, ही सेड टू मी कामा इंटेड कामा डिड यू नॉट अब्यूज माई ब्रदर यस्टरडे। ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा डिड यू नॉट अब्यूज माई ब्रदर यस्टरडे। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, देखते हैं कैसे बनेगा। देखो सबसे पहला चेंज जो होना है वो है सेट टू का, तो सेट टू चेंज हो जाएगा आस्क में, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो बनाएंगे, ही आस्क्ड मी, ठीक। अब यहाँ पे आगे देखो, कामा इनवर्टेड कामा है, यहाँ पे हम कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, तो यहाँ पे हम इफ़ करेंगे ना। इफ़ यू सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो यहाँ पे हम आई करेंगे। इफ़ आई, टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, हो जाएगा हैड। आई हैड नॉट, इफ़ आई हैड नॉट अब्यूज्ड अब्यूज्ड। अब देखो यहाँ पे माई ब्रदर है, माई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस है, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट हमारा ही है, तो यहाँ पे हिज ब्रदर हो जाएगा। अब्यूज्ड हिज ब्रदर यस्टरडे का द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे, और यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट टॉक नॉनसेंस, ठीक है। तो टीचर ने बच्चों से कहा है, तो ऑर्डर कर सकते हो, है ना, या फिर एडवाइस भी कर सकते हो। तो अगर ऑर्डर से बनाएंगे, देखो एक और इसमें किया जा सकता है, डू नॉट लगाए, फॉरबेड भी कर सकते हैं, है ना। तो चलो समझ लेते हैं क्या करेंगे। देखो जैसे अगर हम ऑर्डर से बनाएं, ऑर्डर्ड ना, तो करेंगे द टीचर The teacher ordered. The teacher ordered the boys. ठीक, do not को not to में चेंज करेंगे, not to talk nonsense. ठीक, अगर यहाँ पे मान लो ordered की जगह पे हम advice करते, या एडवाइस करते तब तो ऐसे ही ठीक रहता, लेकिन मान लो अगर यहाँ पे हम फॉरबेड करते, फॉरबेड मतलब मना करना, ठीक। फिर यहाँ पे नॉट टू नहीं आता, फिर केवल टू आता, फिर नॉट ना आता अगर हम फॉरबेड करते तो, ठीक है। फॉरबेड मतलब ही मना करना होता, तो फिर हम दोबारा से निगेटिव वर्ड क्यों लाएंगे, ठीक है, नहीं लाएंगे। चलो आगे देखते हैं, आगे कंबाइन करना है इनको। तो पहला क्वेश्चन है, द एग्रीमेंट वाज साइंड, ऑल वर सेटिस्फाइड। इसको सिंपल में बनाना है, तो देखते हैं क्या होगा। देखो सिंपल अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से बनता है, है ना। लेकिन एक होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाला तरीका, जहाँ पे दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, है ना। देखो यहाँ पे द एग्रीमेंट एक है, यहाँ पे ऑल अलग है, ठीक। तो हम इसको बनाएंगे, द एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट द एग्रीमेंट हैविंग बीन, पैसिव लिखा है वो इसलिए ऐसा है, हैविंग बीन साइंड, द एग्रीमेंट हैविंग बीन साइंड कॉमा ऑल वर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, ठीक। इस तरह से हो जाएगा। अगला है, द ट्रेन विल कम एट अ सर्टेन टाइम, कैन यू टेल मी। द ट्रेन विल कम एट अ सर्टेन टाइम, ट्रेन जो है वो एक निश्चित समय पर आएगी, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगे। तो इसको कॉम्प्लेक्स में बनाना है,
कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग कंजक्शंस लगा के। तो जैसे इसको बनाया गया, मान लो कैन यू से स्टार्ट करके बनाए, जैसे कहा गया कैन यू टेल मी द सर्टेन टाइम, कैन यू टेल मी द सर्टेन टाइम। अब देखो, अब बहुत सारे कंजक्शंस अलग अलग होंगे, अब उसमें व्हेन लगा के हम इसको जोड़ेंगे, व्हेन, हु, वेयर, ये सबसे बनता है, लेकिन व्हेन लगाएंगे क्योंकि टाइम है। कैन यू टेल मी द टाइम व्हेन, नो, व्हेन द ट्रेन, व्हेन द ट्रेन विल कम, क्या तुम मुझे वो समय बता सकते हो जब ट्रेन आएगी, ऐसे कुछ कहा जा रहा है। चलो आगे देखते हैं, आगे ट्रांसफॉर्म करना है। और पहला सेंटेंस है, डिड द पुलिसमैन कैच द थीप, पैसिव वॉइस बनाना है। देखो ये हमारा टेंस कौन सा है, ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है वाज या वर्ड लगता है पैसिव वॉइस में, तो हो जाएगा वाज। ऑब्जेक्ट उठाते हैं पैसिव वॉइस के लिए, ऑब्जेक्ट है द थीप, वाज द थीप, वाज द थीप। कैच का काट हो जाएगा थर्ड फॉर्म, वाज द थीप काट। अब पुलिसमैन सब्जेक्ट था हमारा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वाज द थीप कॉट बाय द पुलिसमैन। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। अगला देखो, अगला लिखा है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी मतलब होता है प्रजातंत्र, है ना, प्रजातंत्र जो अपने यहाँ है ना, प्रजातंत्र मतलब होता है प्रजा का शासन, यहाँ पे लोग चुनते हैं अपने नेता को, है ना, हर देश में ऐसा नहीं होता है। देखो इसको कंपेरेटिव फॉर्म में चेंज करना है, ये सुपरलेटिव में लिखा है द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो इसको कंपेरेटिव में बनाने के लिए बना सकते हैं इंडिया, इंडिया इज लार्जर दैन एनी अदर। यहाँ पे एनी अदर करेंगे क्योंकि द लार्जेस्ट है। यहाँ पे एक चीज़ और समझो, चलो पहले कर लेते हैं एनी अदर। हाँ, अगर यहाँ पे इंडिया इज वन ऑफ होता है ना, अगर यहाँ पे मान लो वन लिखा होता, यहाँ पे वन लिखा होता तो फिर हम यहाँ पे मेनी करते, लेकिन अभी नहीं करेंगे, है ना, तो ये बात आगे के लिए है, कभी आ जाए क्वेश्चन तो करोगे सही। इंडिया इज लार्जर देन, इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इसको हम अभी पॉजिटिव में भी बना सकते हैं, है ना, ये कंपेरेटिव में हो, ये कंपेरेटिव में हो गया, सुपरलेटिव ये खुद था, पॉजिटिव बना सकते हैं, जैसे कहा गया नो अदर, यहाँ देख लो जैसे कहा गया नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज इंडिया, है ना, इस तरीके से भी हो जाएगा पॉजिटिव में, है ना, लेकिन आपको यहाँ पे यही करना था केवल। चलो आगे देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं, आगे करेक्ट करना है, है ना, बाकी के ये नीचे आ गए हैं थोड़ा, है ना, समझ लेंगे। चलो पहले इसको देख लो, करेक्ट करना है
पहला सेंटेंस है देयर आर फाइन फर्नीचर इन दिस हाउस, देयर आर फाइन फर्नीचर इन दिस हाउस। देखो कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, हम उनका प्लूरल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात हमको समझनी होगी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। जैसे फर्नीचर जो लिखा है, फर्नीचर, अब ये सिंगुलर में ही हमेशा यूज होगा, ठीक। ये प्लूरल में यूज़ नहीं हो सकता, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब ये सिंगुलर से प्लूरल नहीं हो सकता तो फिर हम इसके लिए प्लूरल वर्ब भी तो नहीं लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा देयर इज, देयर इज फाइन फर्नीचर इन दिस हाउस, इस तरह से हो जाएगा। ऐसे ढेर सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे सीनरी सुना होगा ना, सीनरी, सीनरी का सीनरीज नहीं होता है, है ना। इसमें वर्ड आता है हेयर, हेयर ये बाल वाला हेयर, इसका भी हेयर से नहीं होता, एक दूसरे केस में होता है, आपको बताया है ना, जब अलग अलग कलर के दिखाने होंगे बाल तब हम हेयर अलग से कर सकते हैं, वैसे नॉर्मली नहीं होता है ना। इसमें जैसे एडवाइस वर्ड आता है, एडवाइस, एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होता है ना, वो फिर पीस ऑफ एडवाइस अलग होता है जब अलग से दिखाना है। जैसे लगेज वर्ड होता है, इसका भी अलग से प्लूरल नहीं होता है। पोएट्री होता है वर्ड, है ना, पोएट्री का पोएट्रीज नहीं करेंगे। जैसे न्यूज़ होता है ना, इंफॉर्मेशन होता है। तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनका हम अलग से प्लूरल नहीं करते हैं एस लगा के, है ना। तो ये आपको याद रखने हैं सीधे सीधे। चलो आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस है जिसको करेक्ट करना है, लिखा है ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स, है ना, तुम, वह, तुम और मैं दोस्त हैं। देखो यहाँ पे जो अलग अलग प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं इनका एक ऑर्डर होता है, क्रम, अगर हम उस क्रम में नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या होता है क्रम, वो क्रम होता है 2-3-1, 2-3-1, ठीक। अब 2-3-1 मतलब यहाँ पे आएगा सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में हमेशा यू अकेला होता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये सब आ जाएगा, ही, सी, दे या कोई नाम, है ना। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, ठीक। तो क्रम 2-3-1 होता है जब यू, ही, सी, दे में से कोई और आई आए तो, तब ऐसा होता है, ठीक। अगर वी आ जाए कभी फर्स्ट पर्सन के जगह वी आ जाए तो फिर 1-2-3 क्रम हो जाता है, ठीक। तो ये आगे की बात है, तो ये भी हमें समझनी। एक जगह और होती है जब 1-2-3 का क्रम होता है, जैसे जब कोई क्राइम करके उसको एक्सेप्ट किया जाता है कि हमने, तुमने और उसने ये काम किया है, है ना, कोई क्राइम वाला, जैसे कहा गया आई, यू एंड ही कमिटेड अ क्राइम, मैंने, तुमने और उसने एक क्राइम किया है। तो यहाँ पे जब क्राइम एक्सेप्ट किया जाता है तब 1-2-3 क्रम होता है, वरना ऐसे नॉर्मली 2-3-1 होता है, है ना। वो भी ये कब होगा, जब सेकेंड पर्सन में यू, इसमें ही, सी, दे और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में आई हो तब। तो यहाँ पे सही करेंगे, यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ठीक, सही हो जाएगा। अगला है सिटिंग इन द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, मतलब गेट पे जब वो बैठा था एक स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन मतलब क्या होता है, बिच्छू, है ना, बिच्छू याद कर लो, बिच्छू। तो जब वो गेट पे बैठा हुआ था तो एक बिच्छू ने उसे डस लिया था, ऐसा कुछ कहना है। देखो यहाँ पे सिटिंग से पहले कोई कंजक्शन लाना है ना, तो व्हेन या व्हाइल ला सकते हैं, तो हम जैसे कहेंगे व्हाइल, व्हाइल सिटिंग, व्हाइल ही वाज sitting, while he was sitting in the gate,
द गेट, आई स्कॉर्पियन, स्टंग हिम, ठीक इस तरह से हो जाएगा। देखो स्टंग ये सेकेंड फॉर्म होती है स्टिंग की, है ना। स्टिंग मतलब होता है डसना, है ना, काटना। स्टंग होता है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला है हिज पेरेंट्स डिप्राइव्ड हिम विद ऑल ही हैड, है ना। उसके माता पिता ने उसको, देखो डिप्राइव मतलब क्या होता है, डिप्राइव मतलब होता है जैसे किसी को कुछ करने से मना करना, है ना। तो डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग होता है ना, डिप्राइव deprive somebody of something, है ना। तो somebody की जगह पे somebody को यहाँ पे start में लिखा है, somebody और something को, है ना। somebody की जगह पे हिमाया है, of something off होगा यहाँ पे, with नहीं, है ना। तो यहाँ पे with की जगह पे off होगा, सही करेंगे क्या सही हो जाएगा, his parents पेरेंट्स deprived him of all he had, ठीक इस तरह से सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आगे idiom phrases इतने उनके मतलब बताने हैं। तो पहला है टू ग्रीस द पाम, इसका मतलब एक और पीछे सेंटेंस में हुआ था, इसका मतलब होता है रिश्वत देना, ठीक, रिश्वत देना, ठीक। चलो सेंटेंस बना लेते हैं। पहला जैसे कहा गया डोंट ग्रीस द पाम, डोंट डोंट ग्रीस द पाम ऑफ द ऑफिसर्स, मतलब ऑफिसर्स को रिश्वत मत दो, है ना, ऐसा कुछ कह रहे हैं। डोंट ग्रीस द पाम ऑफ द ऑफिसर्स। अगला है अफेयर विद अ फ्रेंड, अफेयर विद अ फ्रेंड ये भी रिपीटेड है, अवसरवादी मित्र, है ना, जो केवल सुख में काम आते हैं, अवसरवादी मित्र, ठीक। इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाया गया जैसे कहा गया डोंट मेक फेयर विद देयर फ्रेंड्स, फेयर विद देयर फ्रेंड्स, अवसरवादी मित्र मत बनाओ, है ना, अच्छे मित्र बनाओ, ऐसा कुछ कहना है। आगे है इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, इसका मतलब होता है पलक झपकते ही, है ना, पलक झपकते ही। इसको कहाँ लिखें, इधर देखो, पलक झपकते ही, ठीक। चलो सेंटेंस बनाते हैं जैसे कहा गया He was disappeared into the crowd, he was disappeared into the crowd in the twinkling of an eye, मतलब पलक झपकते ही वो भीड़ में गायब हो गया, ऐसा कुछ कहना है। मान लो कोई चोर था ना, उसको पीछे से पुलिस वाले पकड़ रहे थे, तो कहा गया पलक झपकते ही वो
भीड़ में गायब हो गया। अगला है टू पुट द स्वॉर्ड, इसका मतलब होता है मौत के घाट उतार देना, मौत के घाट उतार देना, मतलब किसी को जान से मार देना वो भी तलवार से, मौत के घाट उतार देना, ठीक ऐसा कुछ कहा जा रहा है। चलो इससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं जिसे कहा गया he put his only friend, he put his only friend to the sword. उसने अपने इकलौते दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, ठीक। चलो आगे देखते हैं, आगे है लुक डाउन अपान। लुक डाउन अपान मतलब होता है घृणा करना, क्या करना, घृणा करना, घृणा करना, ठीक। ये यहाँ देखो, ठीक। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस देखो, जैसे मान लो कहा गया हमें गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए, है ना, we should not look down upon the poor, हमें गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए, ऐसे कुछ कहा गया। चलो चलो आगे देखते हैं, आगे एंटोनिम लिखने हैं। तो पहला है रिग्रेस, है ना, रिग्रेस मतलब होता है सख्त, कह लो कड़ा, सख्त, ठीक। इससे रिलेटेड एंटोनिम जैसे कह सकते हो इसका अपोजिट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कह सकते हो, है ना, यहाँ लिख लो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, या फिर काइंड लिख सकते हो, है ना, काइंड कर सकते हो, या जेंटल कर सकते हो, है ना। अगला है डिमिनिस, डिमिनिस मतलब होता है कम करना, क्या होता है, कम करना, कुछ भी कम करना, इसके लिए अपोजिट कर सकते हो इंक्रीज, इंक्रीज कर सकते हो, या एक वर्ड होता है एक्सटेंड, एक्सटेंड ये भी कर सकते हो, है ना, इसका मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, एक्सटेंड मतलब भी बढ़ाना। अगला है बारेन, इसके लिए फर्टाइल, रटा रटाया होता है ना बहुत ज़्यादा, एक तो फर्टाइल हो जाता है, एक किसी में फ्रूटफुल भी कह सकते हो, है ना, फ्रूटफुल मतलब जो फल देने वाला, फ्रूटफुल। अगला है सिनोनिम लिखने, पहला है क्वीज, ये क्या होता है, ये होता है एक अजीब, अजीब टाइप का, है ना, अजीब कह लो या विचित्र कह सकते हो ना। तो इससे रिलेटेड सेंटेंस देखो, जैसे कहा गया स्ट्रेंज, है ना, सिनोनिम लिखने, जैसे कहा गया स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब ये होता है अजनबी, बिल्कुल अलग, है ना, या फिर अनकॉमन कह सकते हो, अनकॉमन ये भी बिल्कुल अलग, है ना। आगे है रेज, रेज मतलब होता है क्रोध, क्रोध, तो एक तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एंगर, एंगर हो जाएगा, है ना, ऑफेंस यूज कर सकते हो, ठीक। अगला है ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट मतलब होता है अस्थाई, अस्थाई मतलब जो चिरकालिक हो, थोड़े समय के लिए हो, उसको हम ट्रांसिएंट कहेंगे। जैसे इसके लिए सिनोनिम एक होता है
ट्रांसिस्ट्री सुना होगा, ट्रांसिस्ट्री। ट्रांसिस्ट्री एक और होता है जैसे टेम्पररी, टेम्पररी भी यही होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे देखते हैं। आगे वन वर्ड लिखने हैं। तो पहला है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं। एक वर्ड होता है मोर्ट्यूरी, MORTUARY, है ना, इसको हिंदी में कहते हो शवदाग्रह। ना जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है। एक अगला है स्पोकन और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, कुछ भी ऐसा जो बिना तैयारी के, जो बिना किसी तैयारी के बोला गया हो या किया गया हो, उसके लिए वर्ड होता है एक्सटेम्पोरेनियस। वर्ड देखो EXTEMPORANEOUS, है ना, थोड़ा लंबा है देखने में, EXTEMPORANEOUS, एक्सटेम्पोरेनियस ऐसा कुछ है। अगला है हिच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो अब यूज में ना हो ऐसा कुछ, उसके लिए एक वर्ड होता है ऑब्सोलेट। है ना, ऑब्सोलेट। चलो आगे देखो, आगे एक जैसे दिखने वाले दो वर्ड हैं, डिसेंट, ठीक। तो एक तो इसका मतलब होता है पतन या उतार कह सकते हो, है ना, इसी का एक मतलब लेकिन और होता है वंश या परंपरा भी होता है इसी का मतलब। तो जैसे इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाया गया, जैसे कहा गया देयर इज अ डिसेंट टू द सी, है ना। अगला है डिसेंट, इसका मतलब होता है असहमत होना, है ना, असहमत होना, डिसएग्री करना मतलब, ठीक। इससे रिलेटेड सेंटेंस देखो, जैसे कहा गया I am dissented from, इसके साथ from लगता है, from your proposals, मैं तुम्हारे proposals से असहमत हूँ, ऐसा कुछ कहना है, तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गई हमारी ग्रामर, है ना, आगे वाली चीज़ें हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए यहीं पे रखते हैं, होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, जो चीज़ें, कुछ चीज़ें नई मिली होंगी, कुछ चीज़ें आपको पहले से आती रही होंगी, है ना, एक बार रिवीजन हो गया जो चीज़ें आपको आती थी उनका। तो इस वीडियो के लिए फिर यहीं रखते हैं, आगे की चीज़ें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, जो चीज़ अच्छी ना लगी हो तो कमेंट करके बता दीजिए। इस वीडियो के लिए यही रखते हैं, थैंक यू।